अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। श्री कृष्णा, कान्हा जी, जब तक अंशुमन हमारी सुमन को सही सलामत घर वापस लेके नहीं आता, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये जोत हाथ में लिए हम यही खड़े रहेंगे। एक पराई लड़की के लिए तुम दुहाई दे रही हो छुटकी है? और जो हमारे बड़के बहुआ इस हालत में उसके पीछे पीछे गए हैं, उसका कोई चिंता नहीं है तुमको? हे कान्हा जी, हम हमारे बच्चों के लिए, उनकी सलामती के लिए आपके सामने झोली फैलाए खड़े हैं, उनका साथ दीजिएगा। डॉक्टर राजीव, आप ये क्या कर रहे हैं? हमें लग जाएगा ये। सादा होशियारी मत करो, वरना तुम भी नहीं बचोगी और तुम्हारा वो लूजर अंशुमन भी नहीं, समझी? हेलो, सारे आदमियों को लेके फैक्ट्री के पीछे मिलो, अंशुमन भी पीछे आ रहा है, आज वो बच के नहीं जाना चाहिए। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं राजीव। ड्राइवर, गाड़ी पीछे लेके साइड से निकालो। छोड़िए मारा राजीव, राजीव। अंशुमन जी, मैं मानती हूँ, क्या कर रही आप अंशुमन जी? तेरी हिम्मत कैसे हुई सुमन को अपनी जाल में फंसाने की, एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ झूठे रिश्ते में बांधने की? अपनी मर्जी जहाँ की थी उसने, मुझ उससे। राजीव, किसी की अच्छाई या मजबूरी को उसकी कमजोरी बनाना सबसे बड़ी बुजदिली है, और तेरे जैसे बुजदिल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। थोड़ा लेट था पर कोई नहीं। छोड़िए, सौरभ तुम? सौरभ जीजू, मतलब आप डॉक्टर राजीव के साथ मिले हुए? हाँ, पर तुम दोनों इतने हैरान क्यों हो? तुमने कभी सुना नहीं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई है। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, आज मेरा बदला पूरा होगा। अब मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार के मैं अपनी बच्ची की कस्टडी वापस ले लूंगा। ए, मारो इन्हें! नहीं! अंशुमन जी, प्लीज रुक जाइए, मत मारिए, मत मारिए, प्लीज छोड़ दीजिए। ये टैटू, मतलब अंशुमन जी पर बार बार हमला आप ही कर रहे थे। डॉक्टर राजीव, मतलब सारे हमले आपने करवाए? हाँ, मैं ही कर पा रहा था ऐसे, क्योंकि हमारे एक होने के लिए इस कांटे का निकलना बहुत जरूरी था।
लेकिन आज गेम ओवर। चलो हम आपको कुछ नहीं बोले थे इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी नहीं। अंशुमन जी के साथ कुछ भी करने से पहले आप लोगों को हमारा सामना करना होगा, समझे आप लोग? अच्छा पकड़ो। नहीं पकड़। राजीव सुमन को छोड़। छोड़िए मैं। छोड़िए। अरे भाग बोले। अंशुमन जी आप ठीक है? मैं ठीक हूं। इंस्पेक्टर इन्हें गिरफ्तार कीजिए, ये कल्प्रेट है। पकड़ो दोनों को। थैंक यू सो मच। लेकर जाइए इन्हें। लेकर जाओ। चल बड़ा इसको पीछे। इन आंखों में कभी आंसू नहीं होंगे, सुनो कभी नहीं। अंशुमन जी, अंशुमन जी, नंदन इन्हें घर ले चलो, आराम से, आराम से। हाँ ठीक है बेटा। छोटे पापा किसका फोन था? नंदन का फोन था, कह रहा था सुमन और अंशुमन दोनों ठीक है, बस आ ही रहे हैं। भगवान आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आरती सुमन के स्वागत की तैयारी करो। हम सब तैयारी करते हैं छोटे मां। सुमन आज कान्हा जी के सामने हमें वचन दो, अब आगे से हम पे, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई भी मुसीबत आएगी तो तुम उसका सामना अकेले नहीं करोगी बेटा। माँ बिल्कुल सही कह रही है सुमन, परिवार का मतलब यही तो होता है, साथ मिलकर जिंदगी के संघर्षों का सामना करना। जब हम साथ मिलकर मुसीबत का सामना करते हैं ना, तो मुसीबत अपने आप छोटी भी हो जाती और कमजोर भी। अकेले लड़ने से सिर्फ गलतफहमियां पैदा होती है सुमन। माफ कर दीजिए सत्य, हमने आपका दिल दुखाया है ना, ये तो तुमने दुखाया है बेटा। हमसे दूर जाकर कसम है तुम्हें कि कभी हमसे दूर गई तो हमेशा हमारे पास रहूंगी, समझी? तो सुमन अब इस घर की बहू हो गई, तो तुम कौन हो, सौतन या वो भी नहीं? नहीं सुमन, तुझे मैं अपनी जगह अपने अंशुमन जी को नहीं छीनने दूंगी। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।